बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। दिस इज़ लेक्चर फॉर क्लास वन सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन नंबर टू, गुड हैबिट्स, फ्रॉम वर्कबुक पेज नंबर 75 एंड 76, एज वेल एज वी विल रिवाइज नाउन। स्टूडेंट, दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर 75। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेट एंड डे। कॉम्प्रिहेंशन नेम इज गुड हैबिट्स, अच्छी आदत। गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड ग्रो वेल, के जो अच्छी आदत होती हैं वो हमें फिट रखने में और हमें बढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं। गुड ईटिंग हैबिट्स, कि यहाँ पे खाना खाने के कुछ अच्छे आदत बताए गए हैं जो हम फॉलो भी करते हैं, और जो नहीं फॉलो करते वो हम प्रॉमिस करेंगे आज से हम उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। वॉश योर हैंड्स भी प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, कि हमें खाना खाने से पहले भी और बाद में भी अपने हैंड जो है वो अच्छी तरह वॉश करने चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड प्रॉपरली, कि हमें खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाना चाहिए। ड्रिंक वाटर विद राइट हैंड, हमें पानी जब भी हमने पीना है तो हमने अपने दाएँ हैंड राइट हैंड को यूज़ करना है। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, कि हमें खाना खाने के दौरान एक दूसरे से बातें नहीं करनी चाहिए, खामोशी से खाना चाहिए। डोंट लीव फूड इन योर प्लेट, कि हमने खाना जब हम खाना है तो हमने प्लेटें जो हैं वो फुल नहीं भरनी, ये ना हमारी बैली फुल हो जाए लेकिन हमारी प्लेट भी फुल ही रहे। जितना हमने भूख है हमने उतना ही प्लेट में डालना है और हमने अपना जो खाना है उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। कीप योर माउथ क्लोज वाइल च्यूइंग फूड, कि जब भी हम खाना चबा रहे हों तो हमने मुंह क्लोज करना है, फिर हमने खाना चबाना है कि मुंह से आवाज़ें नहीं निकालनी। डोंट ओवर ईट, कि हमने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना, जितनी भूख है उतने ही खाने हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर उन्होंने गुड ईटिंग हैबिट्स बताई थी कि खाना खाने के आदाब, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ और भी गुड हैबिट्स बताई हैं। कीप योर क्लासरूम क्लीन, कि हमें अपना क्लासरूम जो है वो क्लीन रखना है, इसी तरह हमें अपना घर को भी साफ़ सुथरा रखना है। डोंट राइट ऑन द वॉल्स, कि हमें दीवारों पे बिल्कुल भी राइट नहीं करना, इट इज़ वेरी बैड हैबिट और इससे दीवारें भी जो हैं वो गंदी लगती हैं। क्लोज द वाटर टैप आफ्टर यूज़, कि जब भी हमने वाटर यूज़ करना है तो उसके बाद हमने टैप जो है वो फौरन क्लोज़ करना है। ये ना कि हम ब्रश टीथ ब्रश कर रहे हैं और टैप जो है वो ओपन है तो पानी वेस्ट होता जा रहा है। तो आपने जब भी ब्रश करना है या वाटर यूज़ करना है तो उसके फौरन बाद आपने टैप को क्या करना है, क्लोज़ करना है। डोंट थ्रो रबिश ऑन द रोड, कि हमने क्लासरूम भी नीट किया, घर भी नीट किया, लेकिन हमने रबिश जो कूड़ा करकट है वो हमने रोड पे फेंक दिया, इट इज़ वेरी बैड, ये अच्छा नहीं ना। तो आपने जो है कूड़ा जो है वो हमेशा हमने रबिश कहाँ थ्रो करना है, डस्टबिन में। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन यू लीव द रूम, कि जब भी हमने रूम से बाहर जाना है तो हमने लाइट भी ऑफ करनी है और फैन भी ऑफ करना है। आगे नेक्स्ट है, यूज़ योर क्लीन हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब आपको कफिंग खांसी आ रही हो या स्नीजिंग छींके तो आपने सॉफ्ट हैंडकरचीफ ज़रूर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे है उन्होंने खुद को कवर किया हुआ है और यहाँ पे वो हैंडकरचीफ यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह आपने इन दोनों में से एक यूज़ करना है। आप रुमाल यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऐसे करना है, अगर आपके पास रुमाल हैंडकरचीफ नहीं है तो आपने ऐसे खुद को कवर करना है। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम हैबिट्स को लर्न करना है और इसमें अपने अपनी मामा को डेली बताना करना है कि आज आपने कौन सी गुड हैबिट जो है उसको फॉलो किया है, और आपने इसको नोटबुक पे भी राइट करना है कि आज हमने ये किया और ये किया, ये वाली गुड हैबिट को यूज़ किया है और ये वाली हमने बैड हैबिट छोड़ दी है। दिस इज़ वर्कबुक पेज नंबर 76। यहाँ पे हमने जो पैसेज रीड किया है कॉम्प्रिहेंशन, हमने उनमें से जो है उनको करेक्ट आंसर पे सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट है, गुड हैबिट कीप अस,
कि गुड जो हैबिट है वो हमें क्या करती है, फिट रखती है। तो हमने यहाँ पे फिट को सर्कल करना है। नेक्स्ट है ईट फास्ट स्लोली क्विकली, कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, स्लोली फास्टली या क्विकली। तो इसमें करेक्ट आंसर है स्लोली। डोंट डैश फूड ऑन द प्लेट, कि हमें प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें हमने लीव को सर्कल किया। नेक्स्ट है डोंट डैश रबिश ऑन द रोड, हमें रबिश को रोड पे क्या नहीं करना चाहिए, थ्रो। हमें रबिश को रोड पे थ्रो नहीं करना चाहिए। राइटिंग ऑन द वॉल इज़ अ डैश, गुड हैबिट है, नो इट इज़ वेरी बैड हैबिट। हमने यहाँ पे बैड हैबिट को सर्कल किया। इसी तरह नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस, डू यू वेस्ट योर फूड, अगर आप खाना वेस्ट करते हैं, क्या आप खाना वेस्ट करते हैं, अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो आपने लिखना है येस, अगर नहीं गुड है तो फिर आपने राइट करना है नो। डू यू टॉक वाइल ईटिंग वाइल टेकिंग योर मील, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप बातें करते हैं, नो आप, तो इसलिए आपने यहाँ पर लिखना है नो। वट शुड यू डू आफ्टर ईटिंग योर मील, कि आप खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम खाना खाने के फौरन बाद अपने हैंड जो हैं वो वॉश करते हैं, ये करते हैं ना, तो फिर आपने यहाँ पर लिखना है वॉश आवर हैंड। नेक्स्ट है राइट योर टू गुड हैबिट्स, हमने यहाँ पे अपनी टू गुड हैबिट्स राइट करनी है। फॉर एग्जांपल स्पीक द ट्रूथ, कि मैं सच बोलता हूँ। ड्रिंक वाटर विद राइट हैंड, मैं पानी जो है वो दाएं हैंड से आराम से बैठ कर पीता हूँ। तो आपने कोई सी भी टू गुड हैबिट्स यहाँ पर राइट करनी है। नेक्स्ट है राइट योर टू बैड हैबिट्स, यहाँ पे हमने अपनी टू बैड हैबिट राइट करनी है, जिसको हमने अब छोड़ देना है, स्किप कर देना है। तो हमने वो पुश अदर, कि मैं कभी कभी दूसरों को धक्का दे देता हूँ। टॉक लाउडली, कि मैं बहुत ऊंची बोलता हूँ। तो इसलिए हमने आइंदा ये दोनों काम नहीं करना है, ये आदतें जो है हमने छोड़ दी हैं, लेकिन हम इसको राइट ज़रूर करेंगे कि हमने ये आदतें छोड़ दी हुई हैं। नेक्स्ट है होम शुड वी बे एंड रिस्पेक्ट, हमें किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हुक्म आना चाहिए। तो हम वी शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उन्हें ओबे भी करना चाहिए। तो ये हमारा पेज सॉल्व हुआ। स्टूडेंट नाउन के बारे में हमने सीखा हुआ है, व्हाट इज़ नाउन, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल, के नाउन जो है वो किसी भी शख्स जगह चीज़ के नाम जानवर के नाम को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में कौन कौन आ रहा है, डॉक्टर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ड्राइवर, कारपेंटर, कोई भी जो है पर्सन जिसका नेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन, उसके नेम को हम नाउन बोलते हैं। हर चीज़ ट्री, टेबल, बेड, पेंसिल, कॉपी, उसके भी नेम को नाउन बोलते हैं। प्लेस, इसमें आपका घर, किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, रोड, शॉप, कोई भी जगह जिसका नाम है तो उसका भी नाम को क्या बोलते हैं, नाउन। एनिमल, हर एनिमल, हर जानवर के नाम, मंकी, लाइन, हैन, कैट, डॉग, काऊ, एलिफेंट, टाइगर, हर जानवर के नाम को भी नाउन बोलते हैं। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज़ नाउन, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। तो स्टूडेंट्स आपने इसको डेफिनेशन को भी लर्न करना है और इनके ग्रुप्स में भी अपने अपने घर में चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। पर्सन नेम भी राइट करेंगे, जो आपके घर में थिंग्स हैं नॉन उनके भी राइट करेंगे, प्लेस भी राइट करेंगे, और एनिमल्स आपके पेट एनिमल्स या फेवरेट एनिमल्स उनके नेम आप राइट करेंगे नोटबुक पे। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 3 जो है लेक्चर नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ। तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर स्कूल चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।